ले जी, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीका रोटी के बोरे करने का कबूतरों के लिए। बच्चों की आजकल पलाइयाँ हो रही हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बोरे उनको डालें। ये एक मशीन है, घरों में अवेलेबल होती है। इसमें रोटी के छोटे पीसेस करके, तो इसके जो है ना, आपको मैं बोरे करने बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और बड़ी आसानी से जस्ट फ्यू मिनट्स के अंदर इसके बोरे हो जाते हैं। ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस नॉर्मल से जब हो जाए। देखिए, अब एक चंद सेकंड के अंदर ये इसके बोरे हो गए। मैं डाल के दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, ऐसे करके आपने जब रोटी के बोरे बना लेने, आप इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं। दही भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा इसके ऊपर कोई तकरीबन 1-1.5 चम्मच जो है मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, स्पेनिश ओरिजिनल स्पेन का ऑलिव ऑयल। इसको मिक्स कर लें और ये मिक्स करके आप कबूतरों को डालें। इंशाल्लाह बच्चों की भलाइयाँ बहुत ही अच्छी होंगी, परिंदे भी फिट रहेंगे, सर्दी को भी महसूस नहीं करेंगे और बेहतरीन आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं बोरे करके। कोई भी सालन घर में पका हुआ है, आप सालन 1-2 चम्मच, चाहे सब्जी है, दाल है, कोई भी ऐसी चीज़ है, गोश्त है, शोरबे वाला है, इवन आपके पास बिरयानी, चावल जो भी पके हैं वो इसके साथ आप मिक्स करके तो परिंदों को खिला सकते हैं। बहुत वो खुशी से खाएंगे और इंशाल्लाह ताला तंदुरुस्त रहेंगे। इसमें से मैंने एक और दो चम्मच मैंने इसमें योगर्ट के डाल लेने, तकरीबन 2 रोटियां। इसको मिक्स कर लूँगा मैं अच्छी तरह, ये परिंदों को डालूँगा, इससे उनका हाजमा भी ठीक रहेगा, बच्चों की भलाई बहुत अच्छी होगी और ये प्रोबायोटिक का भी काम करेगा। अमेजिंग।